हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार टॉप 10 क्लासेज के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि हम लोग पिछले भाग में हम लोग डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना पढ़ लिए थे। गाइस, जो आज हम लोगों का टॉपिक है वह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं मानव जीनोम परियोजना। गाइस, यह एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बताइए। तो गाइस, हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वह है मानव जीनोम परियोजना। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मानव जीनोम परियोजना वह महापरियोजना है जो 13 वर्षों तक चला आता था, जिसमें पूरा खर्चा $9 बिलियन खर्च हुआ तथा यह परियोजना अमेरिका के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ। इसे महापरियोजना का नाम दिया गया। गाइस, एक बार फिर से, मानव जीनोम परियोजना वह परियोजना है, यह मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है क्योंकि यह 13 सालों तक चला तथा इसमें ढेर सारे देशों ने तथा ढेर सारे लैब में इसका खोज किया गया। तो गाइस, आइए लिखते हैं मानव जीनोम परियोजना को महा परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है। यह परियोजना तेरह सालों तक चला। उन्नीस से लेकर 2003 तक यह परियोजना चला। फिर गाइस, इसमें अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें अमेरिका यूएसए का महत्वपूर्ण इसमें यूएसए का महत्वपूर्ण योगदान था इस परियोजना से प्राप्त आंकड़ों को एक हजार किताबों में नहीं 3300 किताबों में संग्रहित किया गया 3300 किताबों में संग्रहित किया गया तथा प्रत्येक किताब में 1000 पेज हुआ वह प्रत्येक पेज पर वह प्रत्येक पेज पर प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द
लिखा गया? लिखा गया गाइस, यह है हम लोगों का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है। यह परियोजना 13 सालों तक 1990 से लेकर 2003 तक चला। इसमें अमेरिका का महत्वपूर्ण योगदान था तथा इस परियोजना से प्राप्त आंकड़ों को 3300 किताबों में संग्रहित किया गया। प्रत्येक किताब में 1000 पेज व प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द लिखे गए। गाइस, यह हम लोगों का मानव जीनोम परियोजना के बारे में विवरण। एक बार फिर से, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है क्योंकि यह 13 सालों तक चला तथा इसमें इस योजना में महत्वपूर्ण योगदान यूएसए का था। इस महापरियोजना में जो महत्वपूर्ण योगदान था वह अमेरिका का था तथा इस परियोजना से प्राप्त आंकड़ों को 3300 किताबों में लिखा गया। वह प्रत्येक किताब में 1000 पेज व प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द लिखे गए। तो गाइस, अब आइए हम लोग मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य के बारे में जानते हैं। गाइस, हम लोगों का जो है वह है मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य। गाइस, इसका है पहला, मानव जीन में पाए जाने वाले 3×10^9 बेस पेयर का पता लगाना। गाइस, इसका जो पहला है वह है मानव जीन में पाए जाने वाले 3×10^9 बेस पेयर का पता लगाना। इसके पश्चात जो दूसरा है वह है एक से अधिक जीनों में पाया जाने वाला समानता व विभिन्नता का पता लगाना। समानता व विभिन्नता का पता लगाना। और गाइस, जो हम लोगों का तीसरा है वह है एक से अधिक जीनों के बारे में पता लगाना। एक से अधिक जीनों के बारे में पता लगाना। तो गाइस, अब हम जो लोगों का चौथा है वह है मानव जाति के जीन में पाए जाने वाले
पाए जाने वाले विकारों का पता लगाना व उसके संशोधन के लिए टीकों का निर्माण करना हुआ मानव के जीन में होने वाले अनुक्रमों का पता लगाना गाइस, ये है हमारे मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य। तो मानव जीनोम परियोजना में पाए जाने वाले बेस पेयर का संख्या 3×10^9 है, उसके बारे में पता लगाना। फिर जो दूसरा है, एक से अधिक जीनों में पाए जाने वाला समानता व विभिन्नता का पता लगाना। फिर हम लोगों का तीसरा है, एक से अधिक जीन के बारे में पता लगाना फिर हम लोगों का चौथा है, मानव जाति के जीन में पाए जाने वाले विकारों का पता लगाना व उसके उपचार के लिए टीकों का निर्माण करना। फिर पांचवा है, मानव के जीन में होने वाले अनुक्रमों का अध्ययन करना या उसका पता लगाना। गाइस, यह हम लोगों का हो गया मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य। अब जो है हम लोगों का दूसरा पॉइंट है, वह है मानव जीनोम परियोजना में भाग लेने वाले संस्थान। अब जो हम लोगों का दूसरा है, वह है मानव जीनोम परियोजना में भाग लेने वाले संस्थान। मानव जीनोम परियोजना में भाग लेने वाले संस्थान। गाइस, पहला है मानव जीनोम परियोजना में पहली भागीदारी यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सम्मिलित हुए
गाइज जो हम लोगों का पहला है इसमें मानव जीनोम परियोजना में यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NIH सम्मिलित हुए। फिर दूसरा फिर बाद में इंग्लैंड के वेलकम ट्रस्ट वेलकम ट्रस्ट वाले भाग लिए। फिर बाद में इंग्लैंड के वेलकम ट्रस्ट वाले भाग लिए। गाइस फिर इसमें है फिर बाद में वेलकम ट्रस्ट जो इंग्लैंड के थे वे लोग आए और इसमें सम्मिलित हुए। फिर इसमें हम लोगों का जो हम लोगों का तीसरा पॉइंट है फिर बाद में जापान जर्मनी चीन इत्यादि देश सम्मिलित हुए। फिर बाद में जापान जर्मनी इत्यादि चीन व इत्यादि देश सम्मिलित हुए। तो गाइज भागीदारी लेने वाले संस्थान इतने थे। फिर इस समय जो इसमें भागीदारी लेने वाले देश हैं उनकी संख्या जो है वह 250 है मानव जीनोम परियोजना में। फिर बाद में सम्मिलित देशों की संख्या सम्मिलित देशों की संख्या 18 थी। फिर यह गाइस हो गया हम लोगों का मानव जीनोम परियोजना में भाग लेने वाले संस्थान। इसमें पूरा 18 देश हैं। सर्वप्रथम यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH सम्मिलित हुए। फिर बाद में इंग्लैंड के वेलकम ट्रस्ट वाले सम्मिलित हुए। फिर बाद में जापान जर्मनी फ्रांस चीन इत्यादि देश सम्मिलित हुए। सम्मिलित होने वाले फिर कुल देशों की संख्या 18 है। अब गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी विशेषता के बारे में। हम लोग इसके लक्ष्य के बारे में पढ़े, भाग लेने वाले संस्थान के बारे में पढ़े। अब हम लोगों का जो है इसकी विशेषता। मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं गाइस पहला मानव जीनोम परियोजना के द्वारा कुल बेस पेयर की संख्या कुल बेस पेयर की संख्या
31.64 करोड़ है। फिर दूसरा, खोजे गए जीन में सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन, सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है जिसमें कुल 2.4 करोड़ बेस पेयर हैं, जिसमें 2.4 करोड़ बेस पेयर हैं। एक जीन में केवल 3000 बेस पेयर ही सक्रिय रहते हैं, 3000 बेस पेयर सक्रिय रहते सक्रिय रहते हैं। खोजी गई 50% जीन में 50% जीन के खोजी गई 50% जीन्स के कार्यों के बारे में पता लगाया गया और उसमें से दो परसेंट से कम जीन कूटलेखन करते हैं। फिर जीन एक में 2968 बेस पेयर हैं। फिर जो और वाई जीन में 231 बेस पेयर हैं। फिर इसके पश्चात 2006 में जीन 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 जो 24वें नंबर पे है जो 24वें नंबर पर है उसका खोज किया गया नंबर पर है उसका खोज किया गया है। फिर इसके पश्चात प्राप्त आंकड़ों को
3300 किताबों में लिखा गया। प्रत्येक प्रत्येक किताब में 1000 पेज व प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द। गाइस, प्राप्त आंकड़ों को 3300 किताबों में लिखा गया, प्रत्येक किताब में 1000 पेज और प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द। फिर इसके बाद हम लोगों का आठवां है, एक जीन के अध्ययन के लिए तीन यूएसए डॉलर खर्च हुआ। फिर जो हम लोगों का नौवां है, तो हम लोगों का जो जीन है उसकी पूरी संख्या 3×10^9 है, तो कुल जीन के अध्ययन के खर्च में 9 बिलियन यूएसए डॉलर लगा $9 बिलियन इसमें पूरा 9 बिलियन यूएसए डॉलर लगा। फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है, इसमें कुल इसमें कुल खर्च 9 बिलियन डॉलर लगा इसमें कुल इसमें कुल प्रयोगशालाएं ₹250 हैं। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं। पहला, मानव जीनोम परियोजना के द्वारा कुल बेस पेयरों की संख्या 3164.7 करोड़ है। दूसरा है, खोजे गए जीनों में सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें कुल 2.4 करोड़ बेस पेयर उपस्थित होते हैं। फिर हम लोगों का तीसरा है, एक जीन में केवल 3000 बेस पेयर सक्रिय रहते हैं। फिर हम लोगों का जो चौथा है, खोजी गई 50% जीन के कार्यों में पता चला और उसमें से 2% जीन कोडान का कोड लेखन का कार्य करते हैं, कोडिंग का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद पांचवा है, जीन एक में 2968 बेस पेयर हैं और वाई जीन में 231 बेस पेयर हैं। फिर इसके पश्चात 2006 में जीन जो 24वें क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है उसका खोज किया गया। फिर इसके पश्चात हम लोगों का नेक्स्ट है, प्राप्त आंकड़ों को 3300 किताबों में लिखा गया व प्रत्येक किताब में 1000 पेज व प्रत्येक पेज पर 1000 शब्द लिखा गया। इसके पश्चात एक जीन के अध्ययन के लिए 3 USD लगा, तो मानव जीनोम परियोजना में कुल 3×10^9 जीन है, तो उसके अध्ययन के लिए पूरा 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा। फिर इसके पश्चात हम लोगों का है, इसमें कुल प्रयोगशालाएं 250 हैं। तो गाइज, आई होप अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।